हाय। इसका नाम महेंद्र है। यह एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर है। यह अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स और भी बहुत जगह जाकर नजर रखता है कि लेबर्स और वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। इसी कारण से महेंद्र को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। सही बात है, मैं कभी भी एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रुकता हूँ। महेंद्र अभी तक अनमैरिड है, इसलिए यह कोई भी सिचुएशन में रह सकता है, चाहे वहाँ कोई फैसिलिटी हो या ना हो। आप सिर्फ मेरे बारे में बता रहे, मेरे कुक ईश्वरन के बारे में बताइए। अच्छा है, महेंद्र अपने कुक ईश्वरन से बहुत अटैच्ड है। यह जहाँ भी जाता साथ साथ ईश्वरन को भी ले जाता है। और मैं बिना शिकायत किए इनके साथ चले जाता हूँ। ईश्वरन महेंद्र के लिए खाना पकाता, उसके कपड़े धोता और घर का सारा काम कर देता है, और रात में अपने मालिक के साथ कहानियों की बातें करता है। मेरे अंदर एक टैलेंट है कि मैं तुरंत एक स्टोरी इमेजिन कर सकता हूँ। ईश्वरन के पास एक और टैलेंट है कि चाहे कितना भी सुनसान जगह हो, चाहे दूर दूर तक कोई दुकान भी ना हो, फिर भी पता नहीं ईश्वरन को कहाँ से सब्जियाँ और खाना पकाने का सामान मिल जाता है। इस टैलेंट के वजह से ईश्वरन कोई भी जगह पर ताजे ताजे सब्जियों से टेस्टी खाना पका देता है। महेंद्र रोज सुबह उठता, फ्रेश होकर नाश्ता करने के बाद वह अपने काम के लिए निकल जाता। ईश्वरन भी अपने काम करता है, वह कपड़े साफ करता, घर को साफ सुथरा करता और नहा करके भोजन करके वह तमिल थ्रिलर स्टोरी बुक को पढ़ता है। ये तमिल थ्रिलर बुक पढ़ने के बाद मैं कोई छोटी सी स्टोरी किसी को सुनाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सस्पेंस क्रिएट किया जा सके। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे रोड पर एक पेड़ उखड़ा हुआ, तो उसको ईश्वरन कैसे बताएगा यह देखिए। सड़क सुनसान थी और मैं बिल्कुल अकेला था, और अचानक मैंने एक चीज देखा जो किसी बड़े जानवर की तरह दिखाई दे रहा था। मैं डर गया और मेरा मन बोल रहा था वापस घर चले जाओ स्मरण, लेकिन जैसे ही मैंने इसके करीब गया मैं देखा पेड़ गिरा हुआ था। तो देख लिए आप ईश्वरन का टैलेंट। अब यह महेंद्र को अपने घर के बारे में बताता है जहाँ उसका ओरिजिनल घर है। मैं जिस जगह से आया हूँ ना, वह जगह टिम्बरवुड के लिए फेमस है और वहाँ सब और घना जंगल है। लकड़ियों को इधर उधर रखने का काम बड़े बड़े हाथी करते हैं। एक बार एक हाथी गोदाम से भाग निकला और सारे पेड़ झाड़ियों को उखाड़ते हुए इधर उधर भटकने लगा। फिर हाथी सारे दुकानों को तोड़ दिया, उसके बाद स्कूल के ग्राउंड में भी आ गया। सभी बच्चे और टीचर स्कूल के छत में चढ़ गए, और उस समय मैं उसी स्कूल में पढ़ता था और छत से सारे चीजों को देख रहा था। अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ और नीचे आया। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद एक डंडे से हाथी के पैर की अंगुली में जोर से मारा और वो हाथी वहीं लुढ़क गया। फिर आगे क्या हुआ? मैं गैस जलाकर और रात का खाना गर्म करके वापस आता हूँ। फिर ईश्वरन थोड़ी देर में वापस आया। हाँ, आगे क्या हुआ बताओ। कहाँ स्टोरी खत्म हुई थी सर? अरे हाथी लुढ़क गया था ना, महेंद्र ने याद दिलाया। तब ईश्वरन ने आगे स्टोरी सुनाया। फिर एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया। फिर दो दिन बाद हाथी को उस जंगल में छोड़ा गया। ठीक है, पर ईश्वरन तुम यह कैसे कह सकते हो? तुम जानवर को अपने काबू में कैसे कर सकते हो? मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था, ये कराटे या फिर कोई एक जापानी कला होगी। हर दिन ईश्वरन महेंद्र को एक ऐसे ही कहानी सुनाता है जो हॉरर और सस्पेंस से भरा होता था। महेंद्र को भी इसे सुनने में बहुत मजा आता था। ईश्वरन को रहते हुए महेंद्र को कभी टीवी की कमी महसूस नहीं हुई है। अगली सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा है तब ईश्वरन ने उससे पूछा, सर क्या मैं आज रात के खाने में कुछ स्पेशल बना दूं? क्योंकि आज स्पेशल दिन है। परंपरा के अनुसार हमें आज के दिन अपने पूर्वजों की आत्माओं को टेस्टी भोजन कराना चाहिए। ठीक है। वो
उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया। बहुत ज्यादा टेस्टी भोजन बनाए हो ईश्वरन। थैंक्स, सुनकर अच्छा लगा। फिर क्या, ईश्वरन ने अपनी कहानी बोलना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं सर, जिस जगह पे अभी हम रह रहे हैं ये कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे तो पहले दिन से ही मालूम हो गया था जब मैं आदमी की खोपड़ी को रास्ते में पड़ा देखा था। ईश्वरन ने बोलना चालू किया। मैंने तो कभी कभी रात में भूत को भी देखा है। मैं इन चीजों से आसानी से डरता नहीं हूँ सर, मैं एक बहुत बहादुर व्यक्ति हूँ। लेकिन पूर्णिमा की आधी रात को मैंने एक औरत को देखा था जिसके चटाई जैसे बाल हैं, चेहरा सिकुड़ा हुआ है और भी बहुत कुछ। महेंद्र की हालत खराब हो गई और वह काफी डर गया और बोला, तुम पागल हो गए ईश्वरन, भूतों या आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम बकवास कर रहे हो। इस दिन के बाद महेंद्र कुछ बेचैनी से सोता था और अपने बेड की खिड़की को देखकर डर जाता था। एक रात महेंद्र अपनी खिड़की से एक आवाज सुनकर जाग उठा। बिल्ली या चूहा होगा शायद, लेकिन आवाज इतनी ज्यादा तेज है कि किसी बिल्ली या चूहा का होना मुश्किल है। मैं बाहर नहीं देखूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा। महेंद्र पूरे पसीने से भीग गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगली सुबह फिर उसी तरह महेंद्र नाश्ता किया और लंच बॉक्स लेकर निकल रहा था, तभी ईश्वरन हंसने लगा। सर, मैंने आपसे उस रात को बताया था ना, और आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे थे। पिछले रात को तो आप देख ही लिए हैं। महेंद्र बहुत बुरी तरह से डर गया। वह अपने ऑफिस गया और पेपर्स दिया और अगले दिन वह घर को छोड़कर चला गया।